हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप लोग मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इस तरीके से जब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डिजिट होती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब दोनों डिजिट अपॉन में होती हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी होता है इसे सॉल्व करना तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं तो जैसे कि हमारे नीचे सेम डिज़िट हैं तो हम लोग क्या करेंगे सेम हो या अलग अलग हो हमें नीचे वाली दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो थ्री थ्री ज हमारा हो जाता है अपॉन में नाइन उसके बाद थ्री टू सा सिक्स होता है जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था और प्लस में टू आ जाएगा हमारा एज इट इज का एज इट इज मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एंड टू इक्वल टू टू मल्टीप्लाई सिक्स और टू एट होता है अपॉन में नाइन एट टू सा सिक्सटीन तो जब हम लोग इस डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा सेवन अपॉन नाइन बाय वन तो इस तरीके से आप लोग मिक्स फ्रिक्शन को सॉल्व कर सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन आ गया मिक्स फ्रिक्शन का तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ